हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी की ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है। मूवी का नेम है सोनर पहाड़। पहले हम देखेंगे मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यूज मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। মাঝে কথা বলাটা বন্ধ করবে মা, তোমাদের বুড়োদের কি সমস্যা জানো? সারা দুনিয়ার সামনে দুঃখী সেজে কাঁদুনি গাওয়া, দ্যাটস অল। আপনার ছেলের টাকা শুধু আপনার ছেলের নয়, আর আপনার ছেলেটাও শুধু আপনার একার নয়। সন্তানরা বাবা মাকে একটা বয়সের পরে বুঝতেই পারে না। ও আমি কারোর বাড়ি চাই না, যে আমার বাড়িতে এসছে সে আমার আসবে। মাসিমি লিখবেন, জানতাম না। লেখাটা ছেড়ে না, ঘড়িটাও ঠিক ওর কাছে কেটে এসে পড়তো। আমাকে পাবনা সবচেয়ে ভালো গল্পটা শোনাবে। সবচেয়ে ভালো গল্প আমার কোনটা? একটা গল্প আছে যেটা শেষ হয়নি। ग्रेट। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। ये बंगाली लैंग्वेज मूवी है और इसमें आपको बहुत ही कमाल का, इंटरेस्टिंग सा, दिल को छूने वाला ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का था। जैसा कि आपने ट्रेलर देखा तो आप लोगों का आइडिया हो गया होगा मेरे साथ। और हम बात करें आपसे इसी मूवी के हवाले से। इस मूवी को डायरेक्ट किया है और लिखा है प्रेम रता चटर्जी ने, और इसमें जो कास्ट में मूवी की शामिल हैं वो है सुमित्रा चटर्जी, श्रीजीत मुखर्जी, और उनके साथ हैं परम रता चटर्जी एंड जैसु सैनी गुप्ता। ये इसी कास्ट में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं आपसे इस मूवी के ट्रेलर के हवाले से, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव था। जिस हिसाब से दिखाया गया तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, और जो कि लग रहा है कि दिल को छुएगी ये मूवी, और बहुत ही कमाल की एक्टिंग परफॉर्मेंस, और आप कह लें कि मज़ेदार एक तरह से किस्म की ये मूवी है, और जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। और जो मतलब एक्टिंग की गई है और जो मतलब कास्ट वगैरह सबका तालमेल एक तरह से मिक्सअप बहुत ज़्यादा कमाल का और रियलिस्टिक और एक तरह से परफॉर्मेंस से भरा लग रहा है। कुछ भी फेक या बनावटी नहीं लग रहा, और वाकई में जो अदाकारी की गई है वो काबिल तारीफ है। तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे आप ये समझ लें, क्योंकि जो मतलब काम किया गया है इस मूवी के अंदर एक्टर एक्ट्रेस ने, और जैसा कि आप देख रहे थे, तो बहुत ही एक तरह से एक क्लास का काम है, और जो कि एक तरह से एक उमदा और आला, एक शानदार मयार का काम है। और उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले तो है ही अच्छा, लेकिन जो है स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप और सेंसिटिव है, जो कि जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इस तरह की मूवी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी कहानी है, दिल को छूने वाली, और जो कि काफ़ी गहरी। और मेरा तो मानना है कि इस तरह की मूवीज़ हर किसी को देखनी चाहिए, ताकि इसमें काफ़ी हद तक अच्छा मैसेज और सबक मिलता है, जो कि वाकई में लोगों पर अपनी छाप छोड़ जाता है। तो इस तरह की मूवीज़ बननी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए।
एक तरह से हम ये कहेंगे कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसका बुढ़ापा जो आता है वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात होती है। ज़ाहिर हर किसी को इस दौर से गुजरना होता है, तो बनिस्बत ये कि कहानी वही दोहराई जाती है जो हम करते हैं। बनिस्बत मेरे कहने का मकसद ये कि अगर हम अपने बुज़ुर्गों के साथ, वालदैन के साथ या हमारे घर के जो भी बुज़ुर्ग हैं वो बूढ़े हो जाएं, हम उनके साथ बदसलूकी करें या उनके साथ मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं रखें और उनको इज्जत ना दें, रिस्पेक्ट ना दें, उनको मतलब इस काबिल ना समझें कि वो कुछ हैं, तो ये बहुत शर्मनाक और घटिया किस्म की बात है। तो आपके साथ भी सेम वही होगा, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। और तभी कहते हैं दुनिया गोल है। गोल से मुराद अगर चलें राउंड की तरह गोल नहीं है, ओवल की तरह गोल है, तो मतलब घूम के आपके ऊपर आएगा वो चीज़, 100% आपके ऊपर आएगी। आपको दुनिया के अंदर भी वो चीज़ का हिसाब देना होगा और मरने के बाद तो आपको एक चीज़ का हिसाब देना ही है। तभी एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ये बात मैं कहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों का, बड़ों का अदब एहतराम करें। और इस मूवी में जो करैक्टर दिखाए गए हैं वाकई में वो दिल को छू रहे हैं, और कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल, और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ और मज़ेदार किस्म के हैं। और जिस हिसाब से मैं कहूँ ट्रेलर दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा जो ये मूवी की नुमाया खसूसियात को उजागर कर रहा है, जो कि काबिल एक तरह से तारीफ़ और बहुत ही अच्छी किस्म की बात है, जो कि ऑडियंस जो है, आवाम जो है, वो मुतासिर इसी वजह से होती है कि ट्रेलर देखने के बाद जो है वो फैसला कर लेती है कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो उस हिसाब से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि जो है काफ़ी ज़बरदस्त और उमदा किस्म की मूवी, और इस तरह की मूवीज़ जो हैं बहुत कम बनती हैं और वाकई में बननी चाहिए, जिसमें फैमिली से रिलेटेड ड्रामा और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हों जो दिल को छूएं। वाकई में मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस मूवी के ट्रेलर को, जो कि एक तरह से मेरे दिल के काफ़ी करीब से गुजरा और मज़ा आया, एक तरह से एक छाप छोड़ जाने वाला ट्रेलर था, वाकई में कमाल ही हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।